जय माता जी, राम राम सीता राम। बजो यहाँ हमारे बटेटा ने सीप बनावा गाने बटेटा ने तरी नाखे एम तो काची है काची है ना कुछ बना हूँ ना मीठू नमक और मिर्ची डालते हैं और इसमें ये तेल है हमारी सीम का यानी जो सीम तेल आता है ना ये हमारे घर के ऑर्गेनिक निकाला हुआ है यानी कि ये बनाते हैं इसे ये घर पे सब गांव में बनाते हैं इधर हमारे इधर रसोईया बनाता है और इधर ये माखी मच्छर सब मारने के लिए ये इसमें साँच है और ये इधर सब रसोई का सामान है इसका ऐसा रखा हुआ है ना कि ऐसा रखा हुआ और इधर ये पानी पीने के लिए ये त्रांबा का बोलते हैं इसमें पानी रहता है ना ये सुबह पिएगा तो बारिश का पानी इसमें भर लेते हैं शाम को और डे नाइट इसमें पीते हैं वो ग्लास भी यही है वैसा है भाई साहब इधर ये पुराना है तो ये नया डाला हुआ है कोई हाथ बात धोना है कोई छोटा मोटा साफ सुफ करना है वैसा है भाई साहब वैसा हमारा घर है इधर फ्रिज भी सब रखा है सोफा सेट ने सब ऐसा है सुबह सुबह वाला नजारा सुबह देगा अभी तो नाइट हो गई है इधर तो ये इसको बाजरी डालते हैं सुबह सुबह ये परिंदा आता है ना हमारे इधर कबूतर बोलते हैं इसको इसको ये बारिश के टाइम कुछ खाना नहीं मिलता नगर तो ये नहीं आएगा आपको जब हमारी ये फसल निकलेगी ना तभी आप खाना डालेगा तो भी नहीं आएगा इसको खाना चाहिए इसको देना क्योंकि इसके पास कोई गोडाउन नहीं है कोई जखीरा नहीं होता जो जितना शाम तक खाना खाते हैं ना इतना ही उसके पास होता है सुबह उसके पास कुछ नहीं होता है ना कहते इसीलिए देखो मैं ये इधर सुबह सुबह इसको बाजरी डालता हूँ मरघा और ये पक्षी मिला के सबको मेरे हिसाब से 1500 के आसपास हर महीने खिला देता हूँ एक बाजरी की बोरी आती है ना ढाई मन हमारे बोलते हैं उसको और दूसरे आज हमारे मरगी थी ना यानी एक मरगी थी बहुत गुस्सेल थी मैं सोच रहा था ये मरने वाली है ये बच्चों के लिए लेके आया था ना इतनी खतरनाक थी कि मेरे को इतना मारती थी कि जो खाना देता है उसको इतना गुस्सा करती थी तो इसकी माँ को मार दिया आज बिल्ली ने ऐसा नहीं है कि माँ भी इतनी खतरनाक होती है तो आपको जिंदगी भर सहारा देती है ये बच्चे है ना से इसकी माँ ने तो छोड़ दिया था यानी इसकी माँ ने तो छोड़ दिया था हम इसकी माँ लेके आया पैसा दे के मुर्गी लेके आया तो मुर्गी को हमने ये बच्चे दे दिया तो सबको जोड़ी बन गई थी तो उसकी माँ इतनी मुर्गी गुस्सेल थी कि जो खाना देने वाला अपना ही आधार होता है मैं इधर उधर आता हूँ तो मेरा कोई मारने दौड़ती है इतना गुस्सा करती तो मैं तब सोच रहा था ये मरने वाली है ये ना मरने वाली यहाँ से बिल्ली बाहर निकली यहाँ से कोई बिल्ली अंदर नहीं जाती ये मुर्गी यहाँ से निकल के इसको बिल्ली को सुबह सुबह मारने के लिए आई होगी देखी नहीं है सुबह सुबह में ये किसी की मोरा दिखाई देता तो मुर्गी बाहर आई मारने के लिए बिल्ली को इसको पता है कि हम बिल्ली को मार नहीं सकते तो भी मारने के लिए इतना गुस्सा किया और दूसरे का कभी ये सुनी नहीं बात तो मार दिया बिल्ली ने क्यों ये जब छोटे होते हैं ना तो माँ मरते हैं तो परेशानी होती है तो इसका बोला माँ मर गई थी तो माँ बोला मैं खरीद के इसको मारे दूंगा लेकिन वो भी मर गई लेकिन और भी आज एक खरीदूंगा नाइट में बच्चा इसके नीचे रख दूंगा ना तो मुर्गी तो ऐसी पागल होती है लेकिन शांत स्वभाव की माँ चाहिए ना तो माँ भी बच्चे को मरवा देती है मैंने बहुत देखा है देखो ये तो बड़ा हो गया ऐसा कोई इसको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से 10 दिन का हो गया है तो माँ की कोई ज़रूरत नहीं भाई बोल रहा है तो माँ सुबह सुबह आया कि भाई क्या हुआ है बच्चे क्यों बोल रहा है
कि हमारी तो ये सब जिंदगी है, गाय घोड़ा ये पक्षी और बैलो यही हमारी जिंदगी। तो मैं देखा ये बच्चा अकेला अकेला की से है बच्चा बोल रहा है, तो मैं इसको देखो बाजरी डाला है, पानी भी डाल दूंगा, तो इसको कोई जरूरत नहीं है माँ की, लेकिन और भी माँ लेऊंगा, भगवान को भी करण जैसे उतरूंगा सामने के क्या कर सकता है, आज और भी एक मुर्गी लाऊंगा। और ये जो अंडा पे बैठती है ना वो मुर्गी लेके नाइट में इसके साथ बिठा दूंगा, तो सुबह उसको लगेगा ये मेरा बच्चा निकल गया है बाहर। मुर्गी को उल्लू बनाना पड़ता है और मुर्गी उल्लू बनती है, दूसरा कोई प्राणी उल्लू नहीं बनते, लेकिन ये मुर्गी बनती है। तो क्योंकि ये बोलते रहेंगे हवा लगाते रहेंगे, तो इसको हम बांध के नहीं रखते, खुले ही रखते हैं। जैसा है माँ है ना, वो भी कोई समझाएगा तो समझिए, नहीं समझती ना तो ऐसा हाल होता है। क्योंकि मैं उसको कोई मारने वाला तो नहीं था, तो देखो आज बच्चे मेरे पास आ रहा है ना, मेरे से इतना दूर रखती थी कि मेरे को देखने भी नहीं देती, वीडियो उतरने हैं ना तो भी मुर्गी उतरने की थी, इतनी दूर भाग जाती थी और मैं पास मजा था, इतना गुस्सा करके मारने के लिए आती थी। मैं सोच रहा था ये मरने वाली है, कोई कुत्ता कोई कहानी कहाँ मरेगी, ठीक है इतना गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि माँ है तो माँ होती है, माँ भी बच्चे को मरवा देती है। देखो ये इसके लिए मैं दूसरी माँ लेऊंगा, नहीं रहता तो ये बच्चा बोल बोल के मर जाता है, यानी कि बोल बोल के मर जाए, कितना प्यारा है। देखो आज मेरे पास आ रहा है, पहले तो वो मेरे को देखने के मर्जी मेरे को देखेगी ना तब लेके भाग जाती थी। ऐसा ये आदमी में भी बहुत होता है, ऐसा मैं लेडीज भी बहुत देखी है कि उसका बच्चा हो ना तो मेरे से मैं सच बोलता हूँ ना तो दूर लेके भाग जाती है, यानी दूर लेके भाग जाती है मेरे, ऐसा भी बहुत देखा है, यानी ऐसा बहुत देखा है। देखो ये बोल रहा है इसकी माँ का तो मर्डर हो गया है, वही समझो ना माँ का तो मर्डर ही हुआ, लेकिन नाइट में दूसरी लेके आऊँगा, भगवान की बोलेगा कि ये तो गुस्सेल के सामने कहाँ पड़ा हुआ है। यानी भगवान को भी सिर झुकाना पड़ता है, जो अब करण जैसे आदमी बनेगा ना तो इसकी एक माँ ने छोड़ दिया तो मैं दूसरी लाया, दूसरी को मार दिया और तीसरी लाऊंगा, लेकिन इसको बड़ा करूंगा। तो इतनी ऐसी जिद चाहिए कि मेरे को ये करना है तो ये हो जाता है, मगर माँ भी बच्चे को मरवा देती है। ऐसा मैं बहुत लोग को देखा है, मैं बहुत घर लोग के घर जाके ही बोला है कि भाई आप तो मरेंगे तो आपका बच्चे को भी मरवाएगी, तो सुनती नहीं, क्योंकि उसकी जिद पकड़ के रखती है, उसका अहम पकड़ के रखते हैं। तो देखो ये बच्चे बोल रहा है मैं करूँगा कुछ ना कुछ इसके लिए, तो देखो एक इधर से अकेला घूम के आ रहा है, ये बोल रहा है ना तो ये माँ को ढूंढने के लिए अकेला भी आ रहा है, तो शाम तक को इसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, शाम को इसको माँ ज़रूर मिलेगी। दूसरी मुर्गी ले जाऊँगा और मुर्गी के नीचे इसको नाइट में बैठा दूंगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं हमारी सुनते ही नहीं सुनते ही नहीं, बाद में सुनते हैं, और भगवान कभी किसी को छोड़ते भी नहीं है, बहुत बढ़िया दयालु भी है और बहुत बढ़िया गुस्सेल भी है। ये हमारी काकरेज माता, हम कल डॉक्टर आए हो तो राम ने खाता न तो कल डॉक्टर आई हो तो डॉक्टर नत का इतने डॉक्टर हो हम तुम्हारे पास नंबर ही आ कालू नो नत खातो कहीं नत खातो ना कि कालू नो बीमार है तो इतने ऊपर है तुम्हारे पास नंबर है तुम्हारा कोई फोन ही नत खातो तो ये बीमार है, क्योंकि इधर तो मालिक माँ एक ही है और कोई नहीं, ना कोई नहीं है डॉक्टर कोई, मैं बोला तो सब क्योंकि यही है सब, ये स्वर्ग में जो लेके जाना है ना पैसा और वहाँ स्वर्ग में जाना है ना तो इसको खिलाए, ये वाड़ी और बंगला सब इधर काम का है लेकिन वहाँ नहीं आएगा कुछ भी काम, ये ही खाना इसको खिलाएगा ना। तो हमारे इधर प्रागजी दादा था पागलों का रखता था, तो उसको ये हमारी एसटी बस में जब वो बैठते थे ना तब वो ऐसा बोलते थे कि भाई आपको जो पैसा देना है भगवान दिलवाएगा तो आप दिए, मगर मत देना, मैं कुछ देने वाला नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं दूंगा आपको, आपको पैसा मिल जाएगा वापस आप दान करेंगे तो,
ये आपको व्याज सहित मिलेगा, कर्ज सहित आपको मिल जाएगा, लेकिन भगवान देगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। इसको खिलाएगा ना, गाय है, घोड़ा है, बैल है और पक्षी है, और कहाँ कोई कोई पागल होता है, कहाँ कोई कोई की ज़रूरत होती है कि उसका कोई आधार नहीं है, वहाँ आप देंगे ना तो भगवान आपको ज़रूर मदद करेंगे। और आप किसी का अहित करेंगे ना तो आपका भगवान वो भी करेगा ज़रूर, क्या ना ज़रूर करेंगे। ऐसा है भाई साहब, देखो ये मुर्गा इधर है घूम रहा है, ये कोई पैसा नहीं देता मुर्गा बदगा हमारे को, इसमें पानी पीने के लिए आता है। वैसा है भाई साहब, किसी को नॉर्वे जाना है तो सालू है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, किसी रात है नहीं, पर हमारे इधर कोई, मैं वीडियो उतारने के लिए जाता हूँ तो कोई सामने वाला गुजरात हिंदी बोलने वाला नहीं मिलता, गुजराती मिलता है। तो इसलिए भाई साहब आप किसी को गुजराती से देखना है तो अर्जुन फैशन 777 में जाना, और वहाँ गुजराती बोलता हूँ, और बढ़िया बढ़िया हमारे कराता जैसा आदमी मिलता है वहाँ, तो गुजराती बढ़िया बोलता है, लेकिन हिंदी नहीं आती ना, तो प्रॉब्लम है। देखो हमारी ये धोरी भोरी इधर है चंद्रवंशी, इसको बोलते हैं, और इधर ब्लैक है, काम धेनु है, जिसके घर पे काम धेनु होती है और जिसके पास चंद्रवंशी होती है और एक सोन को पिलाती है, ऐसी गाय होती है, उसको कोई मौत का भी फिक्र नहीं होता, कोई इज्जत का भी नहीं होता, क्योंकि इज्जत तो आती है और जाती है। वो तो भगवान राम की भी जब रावण सीता को उठा के ले गया था ना तब सल गई थी इज्जत, लेकिन उसके घर पे धर्म था। और जब सीता द्रौपदी का भी सिर निकाला था ना भरी सभा में, तब भी पांडव की इज्जत गई थी, लेकिन उसका धर्म नहीं गया था। तो हमेशा विजयी तो सत्य और धर्म नहीं जाएगा ना तो होता है, गांव तो कोई भी बोलेगा, ऐसा बोलते हैं ना हमारे एक आदमी हमारे गाँव वाला है, मेरे को कभी कभी ऐसा लिख के भेजता है, राम महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरना है और महाभारत का मंडाण करना है तो कर्ण जैसा साथी चाहिए, साथ में मित्र चाहिए, जो कर्ण जैसा साथी होगा ना तो महाभारत का युद्ध का मैदान में उतरना, और नगर ये शकुनी जैसा तो हर गांव में आपको मिलेगा नरिया निकालने वाला, शकुनी बहुत है इधर, कहना कि शकुनी जैसा तो बहुत मिलेगा, ये ऐसा बोलता है हमारे इधर एक मित्र है, मैं उसको नाम तो नहीं लेता, वो तो हमेशा मेरे को ऐसा भेजता है कि महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरना है तो कर्ण जैसा मित्र चाहिए और विजयी चाहिए तो द्वारकाधीश कृष्ण जैसा सारथी चाहिए, आपके लिए लड़ेगा नहीं, कहना कि आपके लिए वो लड़ेगा नहीं, आपके लिए जरूर विजयी करेगा, आप उसका जो बोलेगा वो आप करेंगे ना तो जरूर आपके लिए वो विजय लेके आता है। तो मैं यही बोलता हूँ, चारथी चाहिए तो कर्ण जैसा, नहीं चारथी चाहिए चोरी, चारथी चाहिए तो कृष्ण भगवान जैसा, और मित्र चाहिए तो कर्ण जैसा, और भाई चाहिए तो कुंभकर्ण जैसा, क्या ना भाई चाहिए तो कुंभकर्ण जैसा, क्योंकि विभीषण जैसा नहीं चाहिए, विभीषण तो राम से डर के भाग गया था, यह ना कि वो तो राम के शरणों में आ गया, तो महान धर्मात्मा था, लेकिन उसने भाई को त्याग दिया था, कुंभकर्ण ने नहीं छोड़ा था, उसने मालूम था सामने नर है नारायण है और मैं मरूंगा, और रावण को भी सत्य बोला था कि तू तो मरेगा दूसरे को मरवाएगा, वो जगदम्बा को क्यों ले गया, जब नींद में सो रहा था तब उठाया ना, तब उसने बोला था रावण को, अरे मूर्ख तेरे को किसी ने बताया नहीं ये जगदम्बा है, उसके पास भी उसके सामने देखना भी जल जाएगा, तो तू उठा के लाया है, ये तेरा सत्यानाश होगा, तेरे को तो मरना है, तू पूरी लंका को मरवेंगे, तो रावण थोड़ा सुधरेगा। वो तो बोला नहीं, तू ये कि राम से डर रहा है, राम लक्ष्मण से डर रहा है, इसलिए मेरे को ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुंभकर्ण को सामने डर आ रहा था, बोल रहा कुंभकर्ण ने बोला मैं भगवान से ये नर ने नारायण है उनसे डरता नहीं है, मैं इसीलिए डरता हूँ कि मेरा भाई मरेगा, जब ये युद्ध में जाता है ना कुंभकर्ण, तब रावण को बता के जाता है कि मैं वापस आऊँगा ना तो सोच लेना कि राम लक्ष्मण मनुष्य है, और जो मैं मर जाऊँगा ना तो मान लेना कि ये नर ने नारायण है, मैं मर गया हूँ, और आप
उसके साथ संधि कर लेना और सीता जी को वहाँ उसके पास लेके जाके उसके शरणों में रख देना तो भी वो माफ कर देगा, इतना बड़ा दिल वाला है राम। और कभी नहीं इधर उधर बोलेगा, वो जरूर आपको माफ कर देगा और आपको जो भी रघुकुल की रीत कभी नहीं जाएगी, वो शरण आएगा उसको वास्तव है, उसको जिंदा रखेंगे। तो मैं मर जाऊंगा ना तो भी आप समाधान कर लेना, तो तेरी लंका और तेरी प्रजा बसती रहेगी, लेकिन रावण थोड़ा सुधरेगा। ऐसी हमारे इधर है रावण जैसी माऊ है, रावण जैसा बाप है, रावण जैसा भाई है, और शकुनी जो और मथुरा जैसी है तो बहुत है। शकुनी मथुरा हर गांव में जाता है, आप किसी को सच बोल के बताएगा ना तो उसको उल्टा ही बनाते हैं। एक निजी स्वार्थ कोई उसका होता है, उसके लिए उसको पूरा बर्बाद करवा देते हैं। जो हम छोटा था ना, हमारे ऊपर कष्ट आया है ना, इतना कष्ट तो मैं भगवान को भी बोलता हूँ कि किसी को मत देना। मैं अकेला लड़ता आया है, जब से पिताजी गुजर गया है ना तब से। हाँ, हमारी बहन बा है, उसने कभी साथ नहीं छोड़ा। यानी कि हमारी बहन है ना, उसने कभी आपको सहाय नहीं किया पर लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा। बाकी तो हर कोई साथ छोड़ देते हैं, वो ध्यान रखना। स्वार्थ के लिए हर कोई साथ छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेगा। इसको खिलाएगा ना गाय घोड़ा बैल तो ये साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा। और छोड़ेगा वो मरेगा। आप जो जिसको खिलाते हैं, जिसको प्यार से रखते हैं, तो जैसे मुर्गी मरी ना ऐसे मरेगा वो। तो मुर्गी को मैं इतना खिलाता था, इतना बड़ा प्यारे से रखता था, मैं हमेशा उसको खाने डालने के लिए आता था, क्योंकि इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और मुर्गी बीमार ना हो तो मैं बढ़िया खाना लेकर आता था, बाजरी खिलाता था, क्योंकि बाजरी सबसे बड़ा अनाज में होती है। तो ये बच्चा है सब, ये भी बोल रहा है, यानी बच्चा ऐसा बोल रहा है सब, उसका कुछ ना कुछ आज शाम को जुगाड़ हम करेंगे, यानी कुछ ना कुछ दे उसका जुगाड़ करेंगे। एंड कल डॉक्टर ने की दो आयो कि ना आयो है, ठीक है। चलो मैं भाई साहब देखना, थोड़ा डॉक्टर को बुला दे, हमारे राम बीमार है, देखना राम बीमार है, उसको बीमारी होगी कोई। बारिश बारिश बढ़िया प्यारा है, माता जी।